आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पाई है। नतीजन जिले भर में केवल एक टीकाकरण सत्र आयोजित किया जा रहा है, वह भी जिला मुख्यालय स्तर पर टीकाकरण किया जाएगा। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि 18 प्लस के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। लाभार्थियों को टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। टीकाकरण सत्र स्थल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों को टीका लगाया जाएगा। हम आपको बता दें कि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को टीकाकरण आज से प्रारंभ हो गया है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं होने की वजह से केवल 100 लोगों को ही मैसेज भेजा गया है। टीकाकरण शहर के सिंधु भवन केंद्र में होगा। जिन्हें मैसेज भेजा गया है उनको लगाया जाएगा। मिशन संचालक NHM छवि भरद्वाज ने CMHO डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह को निर्देशित किए हैं कि 1 मई 2003 के पहले जन्मे व्यक्ति को ही टीकाकरण किया जाए। टीकाकरण केंद्र में निशुल्क टीका लगाया जाएगा। आने वाले सभी लाभार्थियों को पल्स ऑक्सीजन इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्क्रीन करने के निर्देश दिए गए हैं। हर व्यक्ति को स्क्रीनिंग के बाद ही टीकाकरण हो पाएगा। वहीं मिशन संचालक ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए COVID-19 टीकाकरण सत्र का आयोजन नॉन COVID-19 सेंटर में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। जैसे शासकीय स्कूल, महाविद्यालय, दफ्तर, कम्युनिटी हॉल आदि में टीकाकरण किए जाने के निर्देश हैं। हम आपको बता दें कि 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए फिलहाल में 5 से 10 मई तक सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें केवल कोवैक्सीन ही उपयोग की जाएगी। वैक्सीन के भंडारण खर्च का हिसाब अलग से रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सब लोग लगवाइए, किसी से ही यही एक ऑप्शन है अपने को बचाने का। और सबको मैं प्रमोट बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली लगाइए, रजिस्ट्रेशन करिए ऑनलाइन जाके। बस यही बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम आनंद पंजवानी है, मेरी एज 39 है। नहीं, अभी तक करीब 60 लोग लगवा चुके हैं। इसमें शासन ने ये किया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है, जिनके मोबाइल नंबर पर SMS आया है जगह का, टाइम का, सब चीज़ का, उन्हीं लोगों को लगाया जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं लगाया जा रहा। जैसे युवा आते हैं यहाँ, उनको जानकारी है, आते हैं तो क्या गाइड करते होंगे कि आप ऐसे? हाँ, अगर SMS है उनके मोबाइल पर देखते हैं, अपने उसमें देखते हैं कंप्यूटर पे, उनका नाम अगर शो हो रहा है यहाँ के लिए तो उनको लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो आते हैं जिनका नहीं है एंट्री या जिनका नाम नहीं आया है, उनको बता देते हैं कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज सिर्फ यही है रीवा में, सिर्फ सिंधु भवन बनाया गया है 18 साल के ऊपर के लिए। इस पर शासन ने टारगेट निश्चित कर दिया है कि 100 लोगों को ही लगाया जाएगा, सबसे ज़्यादा नहीं लगाया जाएगा, जिससे ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी हो।